हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे दो गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी आपका डाउट होंगे उन सारे डाउट को मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि एक्चुअल कंफ्यूज कर गए थे कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है एक्चुअल में। कुछ लड़कों तो यहाँ तक ये भी गेस कर लिए थे कि BCCLE का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं सारा डाउट आप लोग का क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले आज का जो नोटिफिकेशन ये निकल करके आया है कि UGCIE UGEAC जो है आपका अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एकेडमी जो एग्ज़ाम लेता है आप लोगों का, वो JEE मेन का एग्ज़ाम लेता है, ठीक है? उसके थ्रू BTECH में उन्होंने एडमिशन कराने के लिए वो जिम्मेवारी ले रखा है, ठीक है? बट यहाँ पे उन्होंने एक सबसे बड़ी चेंजेस क्या की है उसके बारे में अभी तुरंत डिस्कस करूँगा, बट उसके पहले ये आज की नोटिस है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट डेट है वो 9/11/2020 को स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा वो क्लोजिंग डेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो 16/11/2020 को 11:59 PM तक आपका बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? और जो लास्ट जो है आपका पेमेंट करने का डेट जो दे रखा है इन्होंने, वो पेमेंट करने का डेट जो दे रखा है इन्होंने 16/11/2020 को ही दे रखा है इन्होंने, वो अप टू वर्किंग हावर्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, 4 PM यानी शाम के 4 बजे तक, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या करने वाले हैं, वो ये बात करने वाले कि कल का एक नोटिस निकलता है। चलिए उसको पहले नोटिस को हम दिखाते हैं कि उसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन क्या आ रहा था। पहले उस नोटिस को दिखाते हैं, फिर आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो कल के नोटिस में निकला था, कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, उसका स्पेसिफिक रीज़न है कि मेरा अभी हेल्थ उतना ठीक नहीं रहा था, ठीक है? तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि कल का जो नोटिस आया था उसमें बेसिकली क्या बताया गया था। तो देखिए, आप यहाँ पर जब नोटिस को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़ भी लिए होंगे, बट मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए, उन्होंने यहाँ पर कल के नोटिस में यही बताया था कि जो देखिए UGEA जो काउंसिलिंग करा रहे थे, उन्होंने देखा कि काउंसिलिंग में लड़के उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उतना फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उन्होंने क्या करा, एक ऑफर हम लोगों के सामने दिया है, और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है यहाँ पर, ठीक है? और उन्होंने यही बोल रखा है कि जो लड़के पॉलिटेक्निक कर रखे हैं चाहे किसी भी ब्रांच से, उन लोगों का भी जो काउंसलिंग जो कराएगा वो UGEA के थ्रू वो लोग काउंसलिंग करा सकते हैं BTECH करने के लिए। बट कुछ लोग यहाँ पे जो कंफ्यूज कर गए थे वो यही कंफ्यूज कर गए थे कि क्या BCCLE उसके लिए एग्ज़ाम नहीं लेता है क्या, क्या उसके लिए जो BCCLE जो उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया क्या उनका भी इसी में आएगा क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, BCCLE का जो एग्ज़ाम है वो एक सेपरेट एग्ज़ाम है, वो सेपरेट के थ्रू ही आपका एकदम सेकंड ईयर में, किस में सेकंड ईयर में आपका एडमिशन लेगी, वो तो आपका फिक्स है। ऐसा कभी नहीं, ऐसा वो नहीं होने वाला है कि आप लोग का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में लिया जाएगा, ये आपका एग्ज़ाम जो है सेकंड ईयर में लिया जाता है। BCCLE जो एग्ज़ाम कंडक्ट रहा है वो BCCLE के थ्रू आपका सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम लेगा। बट इसमें कन्फ्यूजिंग आप लोग ये कर रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा था कि डिप्लोमा वालों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, इनवाइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग अभी ने BCECE का LE वाला फॉर्म को नहीं भरा था और क्रैक नहीं किया था, उन लोगों को ये इनवाइट कर रहे हैं। जिन्होंने BCCLE क्रैक कर लिया है उन लोगों के लिए ये इन्विटेशन नहीं है, हालांकि वो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिन्होंने BCCLE क्रैक कर रखा है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाना चाहेंगे ना एग्ज़ाम, क्योंकि सेकंड ईयर में जाने से उनके पास जो है बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएंगे, उनके पास 1 साल का बचत हो जाएगा, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में ही जाना चाहेंगे, तो इसके रिगार्डिंग नहीं ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो देखिए, आज का जो भी नोटिस था उसको भी मैंने बता दिए, और जो डाउट थे आपके वो भी मैंने बता दिए। आई होप कि सारे चीज़ आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोग बताना चाहूँगा, देखिए BCECE का अभी तक काउंसिलिंग के बारे में कुछ नहीं अपडेट आया, जैसे ही आएगा आप लोगों को नोटिफाई कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिस जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।
जय भारत।